Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. How's the look? How's the look? ंग फॉर हाउस द जोश हाउस द लुक आज मैंने पहली बार अपने चैनल पर कैप पहनी है गाइज ओ माई गॉड इ मुझे कैप सूट ही नहीं करती है बट आई थिंक इट सूट मी कमेंट करके बताना कि सूट कर रही है कि नहीं ओके okay, तो आज की वीडियो होने वाली है स्टाइलिंग वीडियो जल्दी से इंटरव्यू खत्म करती है क्योंकि मेरी जान जा रही है बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे और पंखे बिना गुजारा नहीं है भाई मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वन पीस इन फ्यू डिफरेंट वेज तो जो पीस में शेयर करने वाली हूँ वो होने वाली है ये शर्ट ये बहुत ही ब्यूटिफुल कलर में है बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है एंड आई लव द फैब्रिक कॉटन फैब्रिक में ये शर्ट है कॉटन लिनन समर के लिए बेस्ट फैब्रिक रहता है इजी ब्रीजी फ्लोई मैंने एक वीडियो शेयर की थी फैशन ट्रेंड्स दैट आर ट्रेंडिंग इन टू थाउजेंड जिसमें से इस पैटर्न के बारे में मैंने बात की थी वर्टिकल स्ट्राइप्स के पैटर्न के बारे में ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इन है इन डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स प्लीज़ उस वीडियो को जरूर वॉच करना थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शर्ट है ये मैंने प्राइमार्क से बाई की है फॉर सिक्सटीन पाउंड सिक्सटीन हंड्रेड द कलर इज ब्यूटिफुल आई लव रेड एंड व्हाइट सब ब्लू एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्ट करते हैं बट इस बार मैंने एक वाइब्रेंट कलर में इन्वेस्ट किया व्हाइट एंड रेड लुक्स ब्यूटीफुल टुगेदर और ये बहुत ही वर्सेटाइल कॉम्बिनेशन है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पार्ट ऑफ शर्ट्स आप उसको लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि आप समर्स में ब्लेजर्स वेयर नहीं कर सकते तो आप इस तरीके लाइट वेट शर्ट्स वेयर कर सकते हैं एंड बी कंफर्टेबल और आप स्टाइलिश भी दिखोगे एट द सेम टाइम शर्ट्स मिंत्रा से बाय कर सकते हैं अमेजोन से बाय कर सकते हैं आप लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं या आप जारा से एच एन एम से मैंगो से बायो ओवर साइज शर्ट एंड आई लव ओवर साइज फिट्स जब भी आप शर्ट बाय करें हमेशा

ट्राउजर्स अब ये जो है वाइल्ड लेक ट्राउजर्स है एंड ब्राउन रेड बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है बट इट लुक्स वेरी गुड टुगेदर और इसको स्टाइल किया है मैंने विथ हील्स और एक वाइट कलर का बैग कैरी किया है एक्सेसरीज को भूलना नहीं है छोटे से इयरिंग्स मैंने ऐड किए हैं एंड दैट्स द कम्पलीट लुक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत सिंपल एंड बहुत ही क्लासी लुक है ये फॉर द नेक्स्ट लुक गायस मैंने इसको स्टाइल किया है वाइट डेनिम्स के साथ और दीज आर स्ट्रेट फिट डेनिम्स और मैंने इसके साथ स्लिप स्लिपॉन्स पहने हैं जो कि चार्जन कीट के हैं और मैंने शर्ट को हाफ टक इन किया हुआ है एंड या बहुत ही क्लासी लुक है बहुत शीक लगती है और बहुत एफर्टलेस स्टाइल है गायस वेन एवर यू आर इन अ डाउट कि आपको क्या, क्या पहनना चाहिए यू you नो know, तो यू कैन स्टाइल डेनिम्स विद अ ओवर साइज शर्ट हाफ टक इन कर लीजिए एंड इट लुक्स वेरी वेरी कैजुअल येट लुक्स वेरी शीक सो वाइट एंड रेड लुक्स ब्यूटीफुल टुगेदर अगेन और इस तरीके की जीन्स सब पे अच्छी लगती है डीज आर स्ट्रेट फिट जीन्स बट ये थोड़ी सी लॉन्ग में है दे आर नॉट वेरी वाइड एंड ये सब पे अच्छी लगेंगी सारी बॉडी टाइप्स पे सूट करती हैं सो आप कॉलेज के लिए इनफैक्ट आप ऑफिस के लिए भी वेयर कर सकते हैं इस तरीके की लुक्स को आप स्लीपर्स की जगह आप नॉर्मल हील्स पहन सकते हैं छोटी वाली फॉर थर्ड लुक मैंने इसको स्टाइल किया है विद टेलर ट्राउजर्स नॉ डीज़र फ्राम जारा इसको मैंने पॉइंटी हील्स के साथ स्टाइल किया है दिस लुक इज़ बेसिकली फॉर मीटिंग्स एंड यू नो ऑफिस गोइंग के लिए परफेक्ट है एंड हील्स की जो लेंथ है वो भी परफेक्ट है इस तरीके की पॉइंटी हील्स आपको और ज्यादा इलॉन्गेटेड दिखाते हैं लंबा दिखाते हैं दीज ट्राउजर्स आर आप ब्यूटिफुलदम लूट कलर और ये सब पे अच्छे लगते हैं सारे बॉडी टाइप्स पे अच्छे लगेंगे सो so, मैंने शर्ट को हाफ टक इन किया हुआ है फॉर द नेक्स्ट लुक गाएस मैंने इसको स्टाइल किया है विद स्ट्रेट फिट डेनिम्स फ्रॉम जारा नॉट दीज डेनिम्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड मैंने इसको स्टाइल किया है विद विथ आर ओनसो का टाइगर स्निकर्स गाएज दीज आर द मोस्ट कम्फ एवर वॉन मतलब नाइकी के बाद में बात कर रही हूँ ठीक है और मैंने शर्ट को थोड़ा ओपन अप रखा है वैसे आप ब्लेजर भी कैरी कर सकते थे इस लुक के साथ बट मैंने इसको स्टाइल किया है विद द शर्ट और ये बहुत ही कैजुअल लुक है मैंने पहले कैप पहनी फिर मैंने कैप उतार दी और बहुत ही ईजी गोइंग लुक है फॉर वेकेशन इवन फॉर कैजुअल मीटिंग्स अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाते हैं बहुत ही ईजी ब्रीजी सी लुक है एंड आई जस्ट लव हाउ कम्फर्टेबल दिस शर्ट लुक्स विद दिस डेनिम्स एंड या यू कैन स्टाइल स्नीकर्स विद डेनिम्स एंड इट लुक्स एप्स्यू ब्यूटीफुल ओके फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने इस बॉडीकॉन ड्रेस को स्टाइल किया है अब बॉडी कॉन ड्रेस थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए बट मैंने जब ओवर साइज शर्ट इसके साथ स्टाइल की है तो ये बहुत ही ईजी लुक हो गई सो so, पहले मैंने इस तरीके से यू नो शर्ट को टाइक किया है इफ़ यो ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा सा यू नो लूज रखना था मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाना था अपने स्टाइल में इसलिए मैंने इसको नॉट को खोल दिया और मैंने इसको स्टाइल किया है विद माई स्निकर्स आप ओनिटेल कर सकते हैं बन कर सकते हैं एंड Yeah, it's very, very easy. Black, red, white looks very, very good together. Throws a dark combination with light looks ब्यूटीफुल टुगेदर एक्चुअली सो या इस तरीके से आप अपनी स्लीवलेस बॉडी कॉन्ड्रेसिस को भी स्टाइल कर सकते हैं जस्ट एड अ लेयर ओके लेयर करने से और ज़्यादा आप स्टाइलिश दिखते हैं कम्फर्टेबल दिखते हैं एंड जब आप फैमिली गेट टुगेदर्स करते ना कभी कभी स्लीवलेस पहनना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन में मोस्ट ऑफ लोगों के लिए तो इसलिए मैंने इस तरीके से स्टाइल किया इस शर्ट को आप वाइट कलर के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं पहले मैंने कैप के साथ स्टाइल किया फिर मैंने विदाउट कैप भी आपको दिखाया है एंड सन ग्लासेज ज़रूर ऐड करें क्योंकि जब सवर्स में आप सन ग्लासेस पहनते तो आप और ज़्यादा क्लासी दिखते हैं ओके फॉर द लास्ट लुक गाइस मैंने एक uh... शॉर्ट्स को स्टाइल किया Now, whole, है नॉट दिस इज़ होल अ वाइट लुक अब मैंने वही सेम स्र स्टाइल किए हैं मेरा टैंक टॉप सेम है मैंने सिर्फ वाइट शॉर्ट्स ऐड किया है और उसके ऊपर लेयर का काम किया है इस शॉर्ट ने पहले मैंने इसको स्टाइल किया है विद कैप एंड शेड्स तो या ये भी अगेन मैं बोलूँगी आउटिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट लुक है समर वेकेशन के लिए आप कभी जाते हैं गोवा या कहीं भी जाते हैं यार हिल स्टेशन जाते हैं तो आप इस तरीके की लुक्स कैरी कर सकते हैं और बहुत ही क्लासी लगती है और बहुत ही मिनिमिलिस्टिक स्टाइल है आपको ज़्यादा एफर्ट स्टाल नहीं पड़ेंगे जब आप इस तरीके से यू नो स्टाइल करते हैं अपने आउटफिट्स को या गाइस ये थे कुछ लुक्स जो कि मेरे फेवरेट हैं और मुझे इस तरीके से शर्ट को स्टाइल करना बहुत ज्यादा पसंद था आपका कौन सा फेवरेट लुक है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं आपको मिलती दूसरी वीडियो में टिदन स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ सेल्फ, गाइस एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच बाय